हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी और क्वेरीज आपकी इस तरीके से थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके हम लोग आपको पेड कोर्सेज में पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसी का थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए आपको पांच सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे, जिसमें कि आपका फर्स्ट वन है इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, एंड सेकेंड वन है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एंड थर्ड वन है सर्वेइंग, एंड फोर्थ वन है आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एंड फिफ्थ आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि मैंने आपकी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया है। तो देखो, आज मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, राइट? एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का ओवरव्यू मैं आपको दूंगी कि हम इसको किस तरीके से कवर करेंगे। अब बेसिकली देखा जाए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जेई के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा कम आपका इंपॉर्टेंट है, राइट? कम का मीन्स कि एक दो दो तीन नंबर का आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा आपके एई के पेपर में, लेकिन जेई के पेपर में आप ये मान के चलें कि 10 से 15 क्वेश्चन में भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाए, ठीक है? तो देखिए, इसमें हम करते हैं बात एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की। तो देखो, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में सबसे पहले हम देखो, इसको भी मैंने आपको यूनिट वाइज ही मैंने आपका यहाँ पे डिवाइड किया है, जो कि आपकी यूनिट टू, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर, इस तरीके से मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आ जाए, ठीक है? पढ़ने में भी आप खुश हो जाए दिल से। तो देखिए इसमें क्या है, देखो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में सबसे पहले देखो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में देखो आपका क्या क्या चीज़ आएंगी, टाइप्स एंड मेथड। टाइप्स एंड मेथड में आपका आएगा आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, फिर नेक्स्ट आपका आएगा देखो ये प्रिलिमिनरी, प्लिंथ एरिया, क्यूबिक कंटेंट, ये सारे के सारे रफ एस्टिमेट्स में आते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पे रफ एस्टिमेट्स में आपका आता है प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी सेकंड आपका आता है प्लिंथ एरिया, थर्ड आपका आता है क्यूबिक कंटेंट। अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है डिटेल्ड एस्टिमेट, अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, एंड हम फोर्थ की बात करें तो आपका आता है यहाँ पे एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड फिफ्थ की बात हम करें तो आपका आता है एक्सटेंशन एस्टिमेट, एंड नेक्स्ट हम बात करें तो आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो सोचिए एस्टिमेट्स के भी कितने टाइप्स हैं आपके, 6 टाइप्स के तो आपके एस्टिमेट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस्टिमेट की डेफिनेशन को समझेंगे। एस्टिमेट आपका क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ कैलकुलेशन इंक्लूड्स टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, या लेबर्स फॉर अ प्रोजेक्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स में पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको मैंने बता दिया कि 6 टाइप के हम यहाँ पे एस्टिमेट्स को डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें जो आपका आता है वो हम ये देखेंगे फिर उसके बाद कि इनका क्या एक्यूरेसी लेवल रहता है, कि भाई सबसे अच्छा हम किसको मानते हैं। सबसे रफ एस्टिमेट्स आप कहते हैं प्रिलिमिनरी को, देखिए ये तीनों रफ एस्टिमेट्स के टाइप हैं बेसिकली, ठीक है? तो सबसे कम जो हम कहते हैं कि जिसका एक्यूरेसी लेवल सबसे कम है, वो हम कहते हैं प्रिलिमिनरी को, देन हम कहते हैं प्लेंथ एरिया को, उसके बाद हम कहते हैं क्यूबिक कंटेंट को, उसके बाद हम कहते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट्स को। ये सारे सारे हम क्या करते हैं, इसको एक्यूरेसी लेवल में लगाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे डील करेंगे, राइट? रफ एस्टिमेट्स को, या हम कहें जो हमने 7 टाइप के यहाँ पे डिस्कस करे, वहाँ यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या होती है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होती है, इसको आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और डिडक्शन, जैसे एल सेक्शन में आपका क्या डिडक्शन होगा, आई शेप में आपका क्या डिडक्शन होगा, ये तो क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में कितनी बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो वो सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे जो जेई और एई लेवल तक आपकी जाती हैं। अब जेई एई लेवल तक जाती हैं ये तो मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, इसमें भी ये पूरा सिलेबस है, होल सिलेबस, कि इससे ज़्यादा बाहर तो नहीं जा सकता आपका क्वेश्चन, राइट? अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, जिस तरीके से उत्तराखंड का सिलेबस हमारे पास आएगा उसका कोर्स को हम उस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, राजस्थान में जो चीज़ें आ रही होंगी उसको हम उस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, और यूपी में जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा या यूपी में जिस तरीके से आपका सिलेबस होगा उसको हम उस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए हम और एस्टिमेटिंग में क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेटिंग में प्लिंथ एरिया ये सब हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट।
भाई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो आपकी क्या क्या आती है, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थवर्क को किस में आपका मेजर किया जाता है, तो आपका आंसर होता है मीटर क्यूब। ऐसे आपसे सरफेस अर्थवर्क पूछता है तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आपसे सॉइलिंग पूछ देता है, ऐसी आपसे इसी सीक्वेंस में आपसे पूछता है ब्रेक वर्क की क्या यूनिट होती है, ठीक है। प्लास्टर वर्क किस में आपका किया जाता है, डिस्टेम्परिंग आपकी किस में की जाती है, कॉर्निस आपकी किस में की जाती है। मैंने यहाँ पे आपसे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखिए अर्थ वर्क आपका मीटर क्यूब में, पॉइंटिंग आपकी मीटर स्क्वायर में, कॉर्निस आपका मीटर में, क्रैक्स में मीटर में, ऐसी आपके पास मैनी मोर आपके पास इस तरीके के पॉइंट्स हैं जो कि मेजरमेंट में आपके यूज होते हैं, ठीक है। प्लास्टर वर्क आपका किस थिकनेस से किस थिकनेस में प्रोवाइड कराया जाता है, रूफ कवरिंग 20% आप कब इंक्रीज करते हैं, 14% आप कब इंक्रीज करते हैं, 7% आप की कब यूज करते हैं, इस सारी की सारी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे मेजरमेंट्स में। अगर हम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात करें तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि लेंथ को कितने डिजिट तक हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं, तो देखिए 0.01 मीटर, और आपके वुड वर्क को आप कहाँ तक मेजर कर सकते हैं 2 mm, इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आप किस चीज को कह रही हैं। ये सारी की सारी चीजें हम आपके किस में पढ़ेंगे, एस्टिमेटिंग में हम ये सब पढ़ेंगे, राइट। फिर हम इसमें पढ़ेंगे लिफ्ट क्या होता है, आप कैसे हॉरिजेंटल, आप लिट जैसे लेट क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लिफ्ट और लीड को आप कैसे चेंज करते हैं, किस सीक्वेंस में आप इसको चेंज करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। और कैसे हम अपनी होल क्वांटिटी हम फाइंड आउट करते हैं, अर्थवर्क इन कटिंग एंड अर्थवर्क इन फीलिंग, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए मटेरियल कैलकुलेशन, मटेरियल कैलकुलेशन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एग्रीगेट का किस तरीके से आप मटेरियल कैलकुलेशन करते हैं, आप ब्रिक की किस वक्त कि कैसे आप मटेरियल कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके जितने भी बनते होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से रेट ऑफ एनालिसिस में हम करेंगे, ऐसे हम प्लास्टर वर्क में देखेंगे कि 12 mm की थिकनेस के लिए हम कितना परसेंट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि कुछ वेस्टेज भी होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जैसे 12 mm थिकनेस का आप कोई प्लास्टर वर्क यूज कर रहे हैं तो आप कितना के क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, वो सारी की सारी यहाँ पे आएगा। और ये भी हम देखेंगे कि क्वांटिटी अगर एक सैंड की है वो एक ट्रक में कितनी क्वांटिटी आएगी, तो जैसे हम कहते हैं कि 3 m³ से 4 m³ के बीच में आएगी, इसी तरीके से हम कहें कि एक ट्रक में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे, तो ये भी हमने देखना है कि भाई 4000 नंबर एक ट्रक में आपके इतने ब्रिक्स आएंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। किस तरीके से हम यहाँ पे सीमेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे एक प्लास्टर वर्क में, या हम एक प्लास्टर वर्क में सैंड की किस तरीके से क्वालिटी फाइंड आउट करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने लिखा भी है मटेरियल कैलकुलेशन, रेट एनालिसिस, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, अर्थ वर्क, कंक्रीट, ब्रेक वर्क, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में आ जाएगी। फिर इसमें जो भी आपके मिसलेनियस पॉइंट होंगे वो उसको भी हम कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, राइट। इसमें आउटर्न वर्क आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आपका क्या होता है, 10% होता है जब मटेरियल इज नॉट सप्लाइड बाई द डिपार्टमेंट, अगर मटेरियल डिपार्टमेंट से सप्लाई नहीं किया जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट आपका होता है 10%, क्योंकि मटेरियल आपका क्या है, आपका डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, मटेरियल भी उसी को ही अरेंज करना है जो कि आपके पास कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। 7% तब होता है जब आपका मटेरियल इज सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट। ऐसे हम लेबर्स की बात करें, लेबर्स कॉस्ट आपकी क्या होती है, 25% होती है। वाटर चार्जेस की हम बात करें तो 1.5% हम कहते हैं। वाटर चार्जेस इंक्लूडिंग सैनिटरी अगर हम बात करें तो 8% होता है। टूल्स एंड प्लांट्स, इस बार का ही क्वेश्चन था आपका जेई का, यहाँ से आपके क्वेश्चन जेई में आने के बहुत चांसेस हैं। देखिए टूल्स एंड प्लांट्स में कितना होता है आपका, 1.5 to 2%। डिपार्टमेंटल चार्जेस आपके कितने होते हैं, 10%। सुपरविजन चार्जेस आपके कितने होते हैं, 5%। ये सारी की सारी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके जस्ट डेटाबेस क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे हम कवर करेंगे आपके एनालिसिस ऑफ रेट, जो यहाँ पे मैंने आपको लिखाया है रेट एनालिसिस, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे कि किसका क्या प्रॉफिट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रॉफिट होता है, क्या आप
क्या आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होता है, या आप कहते हैं कंटिजेंसीज जो आप कहते हैं कि 5%, वो सब हम पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ लेबर और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का क्या रेशियो होता है, 25% जो कि रेशियो होता है। सैलवेज वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, ग्रॉस इनकम क्या होती है, नेट इनकम क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, सिंकिंग फंड क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। एयर परचेज आपका क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, और डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या वैल्यूज आपके पास गिवन है। बुक वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट इनटू एयर परचेज। एयर परचेज आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंट परसेंट डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड क्या होती है, ये सब क्या है, डेप्रिसिएशन की मेथड्स हैं। डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करने को आता है, डेप्रिसिएशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम टेंडर वर्क, यहाँ पे मैंने आपको लिखाया है कि टेंडर कंसेप्ट, तो देखो टेंडर कॉन्सेप्ट्स में भी हम चीजें पढ़ेंगे कि टेंडर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, अर्नेस्ट मनी क्या होती है। देखिए जब आप, ये तो आपका क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है कि आप अगर JEE बनेंगे तो आप अपने डिपार्टमेंट में ये चीजें देखेंगे कि अर्नेस्ट मनी क्या होती है, सिक्योरिटी मनी आप कैसे रखवाते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस में ये चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक डिपार्टमेंट में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ही आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आपके चीफ इंजीनियर होते हैं, देन आपका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होते हैं, देन आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, देन असिस्टेंट इंजीनियर जिसको कि आप AE बोलते हैं, और फिर देन आपके उसके बाद क्या होते हैं, JEE होता है। तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में आप यूनिट 1 में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, मेथड ऑफ एस्टिमेट्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ऐसे ही मैं यूनिट 2 में आपको पढ़ाऊंगी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या होती हैं, बेसिक यूनिट्स क्या होती है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का लेवल आपका क्या होता है, मटेरियल कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे, कैसे आप क्वांटिटी ऑफ सैंड, कैसे आप क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट, कैसे आप क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, कैसे आप ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका प्रॉफिट होता है, लेबर्स का कितना प्रॉफिट होता है आपका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अगर आप करते हैं तो वो किस तरीके से आपका होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अर्नेस्ट मनी क्या होती है, सिक्योरिटी मनी क्या होती है, अर्थ वर्क, कंक्रीट ब्रेक वर्क। ऐसे हम वैल्यूएशन में भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या डेफिनेशन इसकी होती है, क्या इसके पर्पस होते हैं, क्या इसके बेसिक टर्म्स होते हैं, और क्या सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, टेंडर के क्या क्या आपके कंसेप्ट होते हैं, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने ओवरऑल आपको बता दिया एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का होल सिलेबस, और इसी के अकॉर्डिंग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के अकॉर्डिंग हम अच्छे से सिलेबस को, वो भी जितना आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो थैंक यू।